अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉयज़ ईशान व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज शाम का टाइम है, बड़ा ही अच्छा हसीन मौसम था। दोपहर को तो मैंने खाना बनाया था, मैंने स्नैक पे अपनी वीडियो शेयर की थी, लेकिन अभी शाम में उनका दिल कर रहा था कि बिरयानी खाई जाए, तो मैं आज आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है, बड़े मज़े की बनती है। और जब आपने ये बिरयानी बनानी है, आपने भूल जाना है हर चीज़, आपने डाइट भूल जानी है, आपने ऑयल भूल जाना, आपने टाइम भूल जाना, क्योंकि इस पे टाइम भी लगता है, इसके अंदर मसाले भी खूब डलते हैं, और उसके अलावा ये है कि इसमें ऑयल भी खूब सारा डलता है। तो जब आपने ये वाली बिरयानी बनानी है तो ये सब कुछ आपने भूल जाना है। आए मैं आपको रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मेरा 3 पाव के करीब चिकन है और 3 पाव के करीब ही हमारे चावल हैं, कुछ कम ही होंगी ग्लासों का, मुझे पता है 2 ग्लास ये चावल हैं। उसके बाद ये 3 बड़े टमाटर और 2 हरी मिर्चें हैं इसके अंदर, और ये नमक मिर्च और हल्दी 1-1 चम्मच है। उसके बाद 1 भर के जो टेबल स्पून होता है वो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 3 बड़े प्याज है क्योंकि इसमें से हमने थोड़े से निकालने भी, और ये देखिए कटोरी भर के तकरीबन भरी हुई है, थोड़ी सी कम है। ये जो सा ऑयल है, और ये अभी आधा है, अभी इतना ही ऑयल और जाएगा। ये जो सा हमारा मसाला है, ये जो मैंने अभी काटा नहीं है, ये हमारा गार्निशिंग के लिए, क्योंकि इसमें हम एक टाइम में जो है हम वो रखेंगे, क्या कहते हैं, एक तय में हम जो सा चावल डालेंगे, एक तय में चिकन होगा। उसके बाद ये जो मसाला है ये हमारा जाएगा। ये आप ज़रूर ये मिस ना कीजिएगा, प्याज को भी जो है आपने कच्चा रखना है, और हरी मिर्चें भी कच्ची डालें, इससे इतना मज़े का टेस्ट आता है, और जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा ये 2 बिरयानी मसाले के पैकेट, ये मसाले के पैकेट कहीं से भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये बिरयानी मसाले के पैकेट है, ये आपने 2 डालने, क्योंकि मुझे बिरयानी जो है वो स्पाइसी पसंद है, इस वजह से मैं 2 डालती हूँ। अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो आप 1 डाल देते। चले हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। ले हम प्याज डाल देते हैं, साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देते हैं, और उसके नीचे हम चूल्हा जला देंगे। आपने वेट नहीं करना, अगर आपके पास 2 स्टोव्स हैं तो आपने फौरन जो है एक साइड के ऊपर आपने चावल बॉईल होने के लिए रख देने, क्योंकि इस पे टाइम ज़्यादा लगता है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना फिर बड़ी मुश्किल लगती है। तो चले मैं चावल रख के और प्याज ब्राउन करके फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। जी ये देखेंगे, मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, ये देखें, ठीक है ना। और जब आपने फौरन ही इसके अंदर जो सा 2 चम्मच आपने नमक के डाल देने हैं, और 2 चम्मच ही इसके अंदर ऑयल जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज वेस्ट ना करें, हर चीज का यूज क्या करें। अब इसको बॉईल होने का वेट करेंगे, जैसे ही बॉईल होगा फिर इसके अंदर चावल डालेंगे। और जो चावल है ये मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया मैंने भिगो के रखे हुए, फिर मैं इसके अंदर चावल डालती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो हमारा प्याज देखे ब्राउन हो गया, ये देखे। अब इसमें से ना बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा प्याज जो है ना वो हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर, हाँ जी, बाकी जो ना और ज़रूरत नहीं है निकालने की। ये ना एक बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक दो सेकंड हमने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे फिर ये जल जाएगा, बस 1-2 सेकंड काफ़ी है। ज़रा इसका कच्चापन खत्म हो जाता है। साथ ही हम टमाटर और हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे, अब हम इसके अंदर अपने सूखे मसाले डालेंगे। लेकिन सूखे मसाले इस टाइम मैं सिर्फ जो नमक मिर्च और हल्दी है वो डाल रही हूँ, जो बिरयानी मसाला वो मैं बिल्कुल नहीं डाल रही, वो जब एंड में डालेंगे बिल्कुल, जब हमारा चिकन डल जाएगा और बिल्कुल चिकन फ्राई हो चुकेगा, लास्ट पे बिल्कुल हम 5 मिनट पहले डालेंगे। और साथ ही हम इसमें चिकन भी डाल देंगे, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, और आज हमारे चिकन में पूरा मिक्स चिकन है सिर्फ नहीं है, तो इस वजह से हम साथ ही डाल देंगे चिकन भी। अब हमने तकरीबन इसको हमने इसको 15 से 20 मिनट जो है ना हमने इसको भूनना है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने तवे वाली बिरयानी बनानी होती है ना, तो तवे वाली बिरयानी में हमने सिर्फ दम पे चावलों को
इसके साथ मिक्स करना होता है और पकने का कोई टाइम नहीं होता, इसलिए हमने इस चिकन को इसी स्टेज पे अच्छी तरह पकाना है ताकि चिकन में किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे और चिकन अच्छी तरह बन जाए। और बस हम इसके बाद फिर इन दोनों को मिक्स करके दम लगा लें। तो जैसे मेरा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह भून जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखे 2 मिनट हमारा चिकन जो है वो भून चुका है। और 2 मिनट चिकन भूनने के बाद ना हम इसमें आलू डालेंगे। ये आलू सिर्फ 2 हैं और मैंने मोटे मोटे ज़रा इनको काट लिया है। ये भी इसी स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह जो हैं गल जाए। तो जब ये बिल्कुल फाइनल लुक आ जाएगी इसकी, फाइनल लुक को जब हम इसके अंदर बिरयानी मसाला जो ये वाला बिरयानी मसाला ये जब डालेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे पानी हमारा बॉयल हो चुका है, ठीक है, साथ साथ देखे काम हो रहा है, ठीक है ना। आपने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह साथ साथ काम कर लें, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो फिर आपने पहले चावल बॉयल करके रख लेने, उसके बाद आपने चिकन जो अनुसार वो तैयार करना। तो साथ ही हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। और चावल जब भी आपने ये बिरयानी के लिए चावल तैयार करने तो आपने हमेशा ये ख्याल रखना है, और ये वाली बिरयानी के लिए, अगर कोई और आप बना रहे हैं तो उसमें आप पूरे चावल पका सकते हैं, लेकिन जब आप तय वाली बिरयानी बना रहे हैं तो इसके लिए ये है कि आपको ना चावल एक कली पे रखने पड़ेंगे, और जब चावल कली पे होते ना फिर ये सही बनती है। अगर फुल चावल पक जाएंगे तो फिर वो चावल जो है ना वो बिल्कुल टूट जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगते। तो इसको ज़रा आपने ये है कि एक कली पे चावल रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलें चावल निकालती हूँ टोकरी में, फिर दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए जी हमारा ये कितना अच्छा तैयार हो गया चिकन, ठीक है ना। लेकिन अभी ये फुल रेडी नहीं हुआ, अभी हमने इसको तकरीबन कोई 10 मिनट और पकाएंगे, इससे हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारे जो चिकन है वो भी अंदर तक जो है ना वो पक जाएगी। ये मेरे जो चावल है ना ये बॉयल हो चुके हैं, तो अभी हम जो है ना पिछ उतारेंगे। तो जब भी आपने चावलों का पानी उतारना ना, पंजाबी में इसको और उर्दू में पिछ ही कहते हैं, ये जो पानी इसका स्टार्स है ना, जब भी आपने उतारना बड़े एहतियात से बड़े ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। और इसको ऐसे टोकरी में जल्दी से करने हैं आपको, बस जल्दी जल्दी आपने ये काम करना। अभी तक जो सा ना ये देखिए इसमें पानी है, जल्दी जल्दी हमने जो सा ना इसको कर लेना, ठीक है। इसमें हम ऐसे रख देंगे जाके जो बचा कुचा पानी है वो भी सारा निचड़ जाए। और इसको हम और 10 मिनट्स पकाएंगे, फिर 10 मिनट्स पकाने के बाद जब मैं इसकी तह लगाऊंगी तो फिर तह लगाने के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ कि तह मैं कैसे लगाती हूँ। हाँ जी, तो चिकन देखें हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर ये बिरयानी मसाला डालेंगे, एक पैकेट, और ये दूसरा पैकेट, और ये खूब स्पाइसी मज़े की बनेंगे, दोनों पैकेट डाल के। अब हमने इसको तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट इसको पकाना है, लेकिन इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना, क्योंकि जब हम ये बिरयानी मसाला डाल देते हैं ना फिर ये ना नीचे ना तय में लगना शुरू हो जाता है, पैंदे में, यहाँ पे ये जो पैंदा होता है ना इसमें लगना शुरू हो जाता है। तो इसको जब आपने डालना तो इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना, लेकिन आपने इसको 5 से 7 मिनट लाजमी पकाना है वरना ये कच्चा रह जाएगा। ये देखें जी इतना प्यारा हमारा चिकन रेडी हो गया, ये देखें ना, मैंने इसलिए आपको तो साथ साथ चेक किया करें कि हल्का हल्का ना लगना शुरू हो जाता जब मसाला डाल दें। तो ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, आलू भी मैंने चेक किए वो भी गल गया, चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये दूसरी देगची में हम लगाएंगे इनकी तह, और तह में सबसे नीचे हम रखेंगे ऑयल, ठीक है, उसके बाद हम चावलों की तह लगाएंगे। बड़ी ध्यान से लगाइएगा क्योंकि चावल भी गर्म है और सब कुछ ही गर्म है, ठीक है। ये हमारे चावल आ गए एक तह में, इस कदर गर्म चावल इधर। ये जो फर्स्ट हम लेयर लगाएंगे ना इसमें हमने टमाटर रखने हैं, ये टमाटर डालने के बाद साथ ही हम ऊपर इसके चिकन की, फिर इसके बाद चावल,
और ये थोड़े से चावल हम छोड़ देंगे, ये दिखाएं, थोड़े से चावल हम छोड़ देंगे इस तरह से, क्योंकि ये आपने देखा ही है कि ये मरकड़ाई का कितना सारा मसाला जो अब लगा हुआ है, तो ये चावल हम थोड़े से छोड़ देंगे और इन चावलों को हम अच्छे से इसमें कढ़ाई में ज़रा एक बार घुमा लेंगे, ताकि जितना भी मसाला उनके साथ लगा है वो सारा उतर जाए, खाना वेस्ट ना करें, क्योंकि खाना जो है ना ये बड़ी नेमत है, खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप हमारी तरह दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम ये चावल इसमें डाल के ऐसे करेंगे, ताकि जो भी मसाला लग गया, ये देखो कितना सारा मसाला जो था वो चावलों के साथ आ गया। इसको लगाने के बाद जो हमने प्याज और हरी मिर्चें काटी थी वो इसके ऊपर हम रख देंगे। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इतना मजे का। और ये वाले अब हम इन चावलों को दम लगा देंगे, 10 मिनट्स का दम लगा के फिर मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये जी, तो हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, और जब मैंने इसका दम खोला है तो इतनी मज़े की हरी मिर्चों की खुशबू आई है ना, तो आप भी इस तरह से बिरयानी बनाइएगा, अपने अपने प्यारों को ज़रूर खिलाइएगा, ये बड़े मज़े की बनती है। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब भी आपने ये बनानी है ना तो आपने थोड़ा टाइम रख के तो फिर ये बनानी है, क्योंकि ये थोड़ी टाइम लेती है बनने के लिए। तो ये क्या, अब हम खाना खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये छोटा सा जो ये मेरा बिरयानी का व्लॉग है पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इस दुआ के साथ अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।